जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। इसके पहले कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें स्टेटहुड की वापसी, भूमिहीन किसानों को हर साल 4,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता, बेरोजगार युवाओं को एक साल तक हर महीने 3,500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा शामिल है। इसके अलावा इस मैनिफेस्टो में सरकार बनने के 30 दिन के भीतर 1,00,000 सरकारी पदों को भरने के लिए नौकरी कैलेंडर बनाने की बात कही गई है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 3,000 की सहायता का वादा है। बता दें, जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा हुए थे, तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, लेकिन 2018 में यह गठबंधन टूट गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं, जिनके नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, कश्मीर का दिल जख्मों से भरा हुआ, उन जख्मों पर मलहम लगाने का वक्त आ गया। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली है, एक नई सुबह शुरू होने वाली है। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत, पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जहां जा सकें, अंदर जाके अपनी बात रख सकें, अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती, नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते, कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता। कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते।